हे आप सबका स्वागत है, मैं मोहम्मद सफल फाउंडेंसी wikigator.com। आज का वीडियो जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलिए, डाउट सॉल्विंग बोलिए या फिर प्रिकॉशन बोलिए, आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पानी का बॉटल बेचते हैं तो इस बात को समझते कि ये क्या पॉइंट है। ये पांच पॉइंट मैं आपको देने वाला हूँ, एक दो तीन नहीं, टोटल पांच पॉइंट देने वाला। जानते हैं ये पांच पॉइंट क्या है, ये बेसिक पांच पॉइंट जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप पानी का बॉटल या बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं या फिर लाइफ में कभी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस बात को समझते हैं, ये पांचों पॉइंट है क्या आखिर। सो फर्स्ट पॉइंट है परमिशन और रजिस्ट्रेशन। इस बात को समझते हैं, कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पे या फिर मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके मेरे नीचे सेक्शन तो पूछते हैं मुझसे सवाल कि क्या सर मैं अब अगर वाटर बॉटल बेचूं रेलवे स्टेशन पे गवर्नमेंट प्लेसेस पे तो क्या मुझे परमिशन मिलेगा। वहां पे पुलिस उन्हें बेचने नहीं देती, उन्हें रेलवे बोर्ड बेचने नहीं देता, तो क्या उन्हें परमिशन मिलेगा। अगर वो परमिशन किस प्रकार से ले और वहां पे किस प्रकार से बेचे, इस बात को समझते हैं। आप वाटर बॉटल कहीं भी बेच सकते हैं, इस बात को समझिए। पानी ऐसी चीज है, ऐसी जरूरत है कि आप उसे कहीं भी बेच सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। फर्स्ट सिर्फ इतना है कि आपको दो चीज की जरूरत है, परमिशन और रजिस्ट्रेशन। ये दोनों कब जरूरत पड़ती है इस बात को समझते हैं। एक बार बेचो तो परमिशन लगता है। सुनिए गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं, बात बात में कई बार गोल्डन स्टेटमेंट में आपको दे देता हूं, इस बात को भी समझते हैं। एक बार बेचो तो आपको परमिशन लगता है, और अगर उसी चीज को बार बार बिक करो या बार बार बेचो तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन लगता है, इस बात को समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको रेलवे स्टेशन में बेचना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा या फिर रेलवे बोर्ड से जाकर के परमिशन लेना पड़ेगा, और आपको रेगुलर बेचना है तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा वहां पे बेचने के लिए। अगर गवर्नमेंट प्लेस है या प्राइवेट प्लेस है, परमिशन एंड रजिस्ट्रेशन नीडेड है। अगर आपको फ्री में बेचना तो उसके लिए आप पार्क में जा सकते हो वहां पे, या फिर पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हो जहां पे आपको पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, सिंपली आप जाकर के अपना वाटर बॉटल वहां सेल कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, जो कि आप मेरे कस्टमर, मैं आपको ठीक से ये बात समझा देना चाहता हूं। एक बात को याद रखें, अगर आपको गवर्नमेंट प्लेसेस पे या प्राइवेट प्लेसेस पे वो बॉटल बेचने नहीं दिया जा रहा तो आप किस प्रकार से वहां फिर भी बेच सकते हैं, क्योंकि बेचना तो है भाई, हमको काम है बेचना तो हम तो बेचेंगे चाहे किसी भी प्रकार से बेचे। तो किस प्रकार से यहाँ पे भी बेच सकते हैं अगर परमिशन ना मिले, रजिस्ट्रेशन ना मिले, तो किस प्रकार से सेल करें, इस बात को समझते। देखिए जैसा भी हमने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक नीड है, सबको जरूरत पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से वहां भी गवर्नमेंट प्लेसेस या प्राइवेट प्लेसेस वहां पर तो बिक ही रहा होगा ना कोई दुकानदार या कोई तो बेच ही रहा होगा, तो आपको इस बात समझना है उस दुकानदार या फिर उस बंदे से कॉन्टैक्ट कीजिए, उससे बात कीजिए, उससे पता करिए कि आखिर वो बॉटल कितने में खरीदता है, कहाँ से खरीदता है, इस बात को समझिए। वो कितने में खरीदता है और कहां से खरीदता है, जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप अपने मैन्युफैक्चरिंग रेट उसी के हिसाब से एडजस्ट करिए और उसको अपने आप सेल कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने प्रोडक्शन रेट पे अगर मैं उसे बेचूंगा तो मुझे पर यूनिट का प्रॉफिट कितना आएगा और किस प्रकार से मैं अपने बिजनेस को ग्रोथ में ला पाऊंगा। अगर ये सारा कैलकुलेशन अगर आपका बैलेंस शीट में बैठता है, ढंग से बैठता है, तो आप उसके बाद उसे प्रोसीड करिए और उसे बेचना स्टार्ट कीजिए, तो इस प्रकार से भी आप उसे बेच सकते हैं। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है, हाई प्राइस वर्सेस हाई सेल, इस बात को समझते हैं कि आखिर हम लोग हाई प्राइस पे बेचें या हाई सेल करें, इस दोनों को मीडियम को समझते हैं कि आखिर हम लोग करें तो करें क्या। अगर आपको वाटर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो आपको हमेशा फोकस करना होगा हाई सेल पे, या किसी भी बिजनेस आपको करते हो चाहे वो किसी भी टाइप का बिजनेस करो, आपको याद रखना है हाई क्वांटिटी या फिर हाई सेल रेट पे आपको उसे फोकस करना है, हाई प्राइस पे फोकस नहीं करना है। क्यों ऐसा करना है इस बात को मैं समझाता हूं, आप सिंपल तरीके से समझे इस बात को। तो चलिए इस बात को पहले समझ लेते हैं कि हाई प्राइस करने से क्या होता है। जब भी आप हाई प्राइस करते हो किसी भी प्रोडक्ट का, आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचो, अगर उसका आप हाई प्राइस करके बेचो, उसका प्राइस मार्जिन जितना भी है मार्केट रेट से आप उसको बढ़ा दो या फिर उसका प्राइस टैग को बढ़ा दो, चाहे आप 10 रुपए का बॉटल बेचो उसको 15 रुपए में बेचना या 20 रुपए बेचना या 25 30 40 में बेचना, तो वो हाई प्राइस मार्जिन में कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप ये काम करते हो तो होता है क्या है अक्सर कि वो कस्टमर जो आपसे एक बार खरीद लेगा वो आपसे दोबारा नहीं खरीदने वाला, बात को समझिए। आप कस्टमर लूज कर जाओगे इस केस में अगर आप हाई प्राइस पे फोकस करते हो। आप खुद सोच के देखो, कभी आपने शॉपिंग किया होगा, कभी आप कोई भी चीज़ को खरीदते होंगे, कभी आपने नोटिस किया कि एक बार आप सामान खरीदने के बाद दोबारा उससे नहीं खरीदते अगर उसने आपको ज़्यादा रेट में बेचा है तो। जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है अगर आपको उसने ज़्यादा रेट में बेचा तो आप उससे दोबारा वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते, दोबारा उसके पास नहीं जाते अदर प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी, तो आप क्या करते, कस्टमर लूज कर जाते, इस बात को समझना होगा। चलिए हाई सेल को भी समझ लेते हैं। चाहे वो कोई भी कंपनी, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो जियो भी क्यों ना हो, वो सब लोग क्या चीज़ पे फोकस करते हैं, हाई सेल पे फोकस करते हैं, वो हाई प्राइस पे फोकस नहीं कर रहे। एयरटेल ने क्या किया, आपको हाई प्राइस पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करता रहता था। जियो ने क्या किया, हाई प्राइस क्या नहीं, उसने क्या किया, हाई सेल। उसने आप पूछेंगे ये हाई सेल किस प्रकार से, रेट को कम कर दिया ताकि उसके पास नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाए। इस बात को समझिए, इस मानसिकता को समझिए कि रेट को कम किया ताकि नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाए। क्यों बढ़ जाए, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर के बाद वो उससे क्रॉस सेलिंग कर सकता है,
उसे डिफरेंट प्रोडक्ट वो बेच सकता है जिससे वो अपना फाइनल नेट रेवेन्यू को बढ़ा सकता है। तो ये सारे तरीके मैं आप आने वाले वीडियोस में इन सारे चीज के बारे में विस्तार में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं हाई सेल के ऊपर। ये किस प्रकार से काम करता है? जब भी आप अपने प्रोडक्ट का रेंज हाई सेल में रखते हो तो उसका क्या मतलब होता है कि कई बार आप उसका रेट घटा देते हो। आपको रेट घटा करके बेचना है, जो मार्केट में कॉम्पिटिशन चल रहा है आप उसे अगर थोड़ा कम करके बेचोगे ना, थोड़ा भी 1-2 रुपए भी कम कर दो ना यार, तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि कस्टमर दूर से आपके पास चल के आएगा और आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। चाहे उसे 10 किलोमीटर चलना हो, 10 किलोमीटर चलना हो, वो आएगा क्योंकि उसे कम प्राइस में चाहिए। चलिए इस बात को समझते हैं कि हाई सेल किस तरह से अचीव किया जाए। हाई सेल करने के लिए मैक्सिममली क्या किया जाता है कि कम प्राइस पे बेचा जाता है। कम प्राइस पे किस प्रकार से किया जाता है कि ना आपको नुकसान हो ना खरीदने वालों को नुकसान हो। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट के मार्जिन को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है ताकि वो हाई सेल रेट पे अकम्प्लिश कर पाए मार्केट के कॉम्पिटिटर। जितने भी आप रेड जोन एरिया में हो या फिर ग्रीन जोन एरिया में, किसी भी आपका किसी भी टाइप का एनवायरनमेंट हो, आप उसमें सर्वाइव कर जाए इजीली। अगर आपको नहीं पता कि हाई सेल रेट किस प्रकार से अचीव करते हैं, हम इसके ऊपर और भी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स पे नीचे लिख करके मुझे कहते हैं कि सर इस पे मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं इस पे पक्का आप सभी के लिए बनाऊँ, क्योंकि यार मैं यहाँ पे वही समझा रहा हूँ जो आप सबको ज़रूरत है। तो चलिए फिर तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि आखिर वाटर बॉटल हम लोग लाए कहाँ से। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वाटर बॉटल लाए कहाँ से। उसकी खुद की प्लांट बैठाएं जिसके बाद हम लोग वाटर बॉटल बनाएंगे, या फिर बिना प्लांट बैठाए हम लोग वाटर बॉटल होलसेल रेट पे खरीद करके बेचें। इस बात को समझते। अगर आपके पास प्लांट है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप बना करके बेचें। अगर प्लांट नहीं है तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है प्लांट बनाने में। अगर प्लांट लगाओगे उसके बाद उसको मार्केट में ला कर उसको सर्वे करोगे फिर उसको बेचोगे, बहुत टाइम टेकिंग है। तो अगर आपको मार्केट एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि होलसेल रेट पर खरीद करके पहले, इस बात को समझिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले होलसेल रेट पे खरीद करके उसको मार्केट में डाल करके उसको बेचना स्टार्ट कीजिए। समझिए कि मार्केट में किस तरह से बेचा जाता है, क्या उसका एक्सपीरियंस लेवल है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आपको मार्केट सर्वे पता चल जाएगा उसके बाद, अगर आपको नेसेसरी लगेगा उन सारे चीज़ों को करने के बाद, उसका पैसा कमाने के बाद, अगर आपको ये लगेगा कि ज़रूरत है कि मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाऊँ, हाई लेवल पे लेके जाऊँ, उसको स्केल अप करूँ, तो उसके बाद अपना वाटर बॉटल का प्लांट भी लगा सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप वाटर बॉटल का प्लांट भी लगा सकते हैं, आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अभी इस बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास वाटर बॉटल प्लांट नहीं है तो होलसेल रेट पर खरीदिए और ट्राई कीजिए, इसको एक्सपेरिमेंट में लाइए, इसको बेचिए होलसेल रेट पर खरीदिए। होलसेल रेट पर खरीदने पर आपको कितना रुपये लगेगा, 15 रुपये की बॉटल हो या 20 रुपये की बॉटल हो, करीबन करीब ना आपको 6 से 7 रुपये में मिलता है जब अगर आप उसको होलसेल रेट पे खरीदोगे तो। इसलिए कोशिश करिए कि होलसेल रेट पे पहले खरीदे, मार्केट का जायजा ले, एक्सपेरिमेंट करें, वहाँ पे चेक करें क्या बैठता है क्या नहीं बैठता है, क्या एक्सपेरिमेंटेशन है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या एग्जीक्यूट करना है क्या नहीं करना है। इन सारे मेथड को एग्जीक्यूट करने के बाद या परफॉर्म करने के बाद आपको ये पूरा ध्यान में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस प्रकार से क्या गलती हो सकती है क्या गलती नहीं हो सकती, उसके बाद ही आपको ये अगला फैसला ले। तो चलिए फिर चौथे कदम की तरफ चलते हैं जो कि है मेंटालिटी। इस बात को समझते हैं। मैं आपको एक बहुत बढ़िया गोल्डन स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, आप चाहे कॉपी पेन पे लिख ले या दिमाग में लिख ले, जो कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए फिर उस गोल्डन स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। आखिर ये गोल्डन स्टेटमेंट है क्या? ये गोल्डन स्टेटमेंट है, बिजनेसमैन बिजनेस को बढ़ाता है, बिजनेसमैन बिजनेस को बढ़ाता है, आम आदमी या एम्प्लॉय बिजनेस को चलाता है। मैं आपको बता दूं कि इस मानसिकता को शुरुआत से ही रखने का क्या ज़रूरत है। अगर आप ये मानसिकता स्टार्टिंग से नहीं रखोगे तो होता है क्या कि आप बिजनेस को स्केल अप नहीं कर पाओगे और स्केल करने में भी बहुत समय का ड्यूरेशन हो जाएगा, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा आपको। और उस टाइम पीरियड तक बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंज हो चुकी होंगी, आपके लाइफ में भी, बाकियों के लाइफ में भी। तो इसलिए जो बिजनेस आज के टाइम पर चल रहा है, क्या पता वो बिजनेस बाद में सस्टेन ना हो पाए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूँ कि पहले के टाइम पर ऑफलाइन दुकान चलता था, मतलब किसी को भी कोई भी चीज़ की जरूरत पड़ती थी वो दुकान में जा करके पैदल चल करके या दुकान में जा करके उसके पास से जा करके सामान लेता था। लेकिन आजकल के टाइम पे क्या हो गया कि ऑनलाइन शॉप हो गए, ई कॉमर्स शॉप हो गए, जहाँ से डायरेक्टली आप ऑर्डर करो वो ऑनलाइन ही आपके पास आ जाएगा, चाहे वो अमेजोन हो फ्लिपकार्ट हो, ये सब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो हो सकता है कि आने वाले 5-10 साल में और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है पानी के बिजनेस में या फिर बाकी सारे बिजनेस में भी। आगे ऐसे बहुत सारे मेथड्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा। तो इसीलिए हमेशा बिजनेसमैन की तरह सोचिए, सोचिए कि क्या मैं ऐसा अपने बिजनेस में कर सकता हूं जिसकी वजह से मैं एक ही चीज़ छोटे छोटे वेरिएशन को या छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट कर सकता हूं ताकि वो लोगों के इमोशन को कनेक्ट करे, या तो फिर कस्टमर इतना लॉयल बन जाए कि वो मेरे साथ जुड़ जाए, ताकि मैं ऐसा कोई भी बिजनेस फ्यूचर में खोलूं तो वो सारे कस्टमर जितने भी मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो उस बिजनेस का पार्ट बने। जैसे कि अभी जियो मार्ट कर रहा है, रिलायंस जियो क्या कर रहा है, जियो मार्ट खोल दिया और उसी प्रकार से जियो के जो भी कस्टमर बेस है वो उस पर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, बाकी सारी चीज़ पे वहाँ के कस्टमर को वो एक्वायर कर रहा है। किस चीज़ के लिए? वो जियो मार्ट के लिए एक्वायर कर रहा है, उस कस्टमर को वहाँ से ट्रांसफर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं अगले वीडियोस में आने वाले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से ये मॉडल भी काम करता है। तो चलिए चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। और फिफ्थ पॉइंट है लव, ट्रस्ट एंड डाटाबेस। इस बात को समझते हैं।
जो कि आप ऐसे बहुत सारे सवाल मुझसे पूछते हैं, तो मैं कुछ उन्हीं सवालों का जवाब देना चाहूंगा इन तीन बेसिक चीजों के सहारे, जो कि ये लव, ट्रस्ट एंड डाटाबेस। ये क्या चीजें, इस बात को समझते हैं। जैसे कि आप मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं इनमें से कि सर अगर मैं लड़का रखूंगा तो वो लड़का तो मेरे बिजनेस प्लान को समझ जाएगा और वो खुद ही एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर लेगा या फिर खुद ही का नया बिजनेस स्टार्ट कर लेगा और मेरा बिजनेस छोड़ देगा, तो मुझे बहुत लॉस होने वाला है। तो ये किस प्रकार से मैं ऐसा क्या करूं कि उस कस्टमर को या फिर उस जो बंदा जो मेरे अंदर काम कर रहा है मैं उसको अपने बिजनेस में टिका के रखूं या उसको अपने बिजनेस का पार्ट बना के रखूं। मैं ऐसा क्या चीज़ करूं कि वो मेरा हमेशा एम्प्लॉय बन के रहे या फिर मेरा बिजनेस पार्टनर या कुछ भी बने लेकिन वो मेरे बिजनेस के साथ जुड़ा रहे। तो मैं ऐसा क्या क्या मेथड कर सकता हूं या क्या स्ट्रैटेजी अपना सकता हूं जिसके सहारे वो मेरे साथ ही रहे और मेरे बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करे, वो मेरे बिजनेस को छोड़ करके ना जाए। आप जब भी अपना नया बिजनेस अगर जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो इन तीन बेसिक पॉइंट का जरूर ध्यान रखें। तीन बेसिक पॉइंट किस प्रकार से आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे, चलिए इस बात को समझते हैं। पहला है लव। इसका मतलब ये है कि आप अपने परिवार के सदस्य या रिश्तेदार या फिर कोई भी ऐसा फ्रेंड हो जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो उन लोगों को ही अपने बिजनेस में रखिए, उन जैसे लोगों को ही अपने बिजनेस का पहला पार्ट बनाइए, ताकि आप उसको ज़्यादा टाइम उसको स्पेंड ना करना पड़े आपको उसको समझने के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा पॉइंट है ट्रस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप वैसे लोग रखेंगे तो ट्रस्ट बनने में बहुत आसानी होता है और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट किसी बिजनेस को बड़ा करने में। थर्ड जो पॉइंट है वो है डेटाबेस, चाहे वो अपना हो या पराया, किसी को भी इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट पे किसी को भी अपना 100% डेटा आपको नहीं बताना है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, स्टार्टअप क्या है, किस प्रकार से रन करें, उसका बैकग्राउंड स्ट्रैटेजी क्या है, उसका फ्रंट एंड क्या है, उसका बैक एंड क्या है, किसी भी टाइप का कोई भी मॉडल उनके साथ शेयर नहीं करना है। उनके साथ शेयर क्या करना है कि आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कितना रेवेन्यू होगा, कितना नहीं होगा, किस प्रकार से अकम्प्लिश करेंगे, किस प्रकार से नहीं कर पाएंगे, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये सारी चीज़ें आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन 100% शेयर नहीं करना। आप उनको 100% की जगह आप उसको 10% कर दिए, 20%, 30%, 40%, 90% तक भी इवन कर दिए, 10% लास्ट का आपको छोड़ के रखना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ के रखना पड़ेगा जिसके वजह से आप सोच रहे हो कि आप बाकी रेड ओशन में से हट करके ब्लू ओशन में आओगे। वो जो यूनिक स्ट्रैटेजी आप लेकर चल रहे हो अपने बिजनेस के लिए उसको नहीं बताना है किसी को भी, ताकि वो कल को वो उस चीज़ स्टार्ट ना कर पाए। वो तो मेरा अलग सा काम है कि मैं आप सभी को वो सारी चीज़ें बताता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर पाए, ये मेरा काम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली करोगे तो अपने कॉम्पिटिटर को अपने साथ सस्टेन करने के लिए इनिशियली इस केस में जब तक आपको एक भी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको एक जीरो लेवल पर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को अपने तक ही सीमित रखना है इनिशियली। अगर आप सीख जाते हो, बहुत आगे तक बढ़ जाते हो, तो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ब्रांड अगर बन चुके हो तो आपके ब्रांड का नाम है। जैसे बिस्लेरी नाम है, वैसे बहुत सारे ब्रांड है, एक बार नाम बन गया उसके बाद कोई टेंशन नहीं, आप किसी को भी बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक मोटिवेशन का काम सिर्फ करेगा। बिस्लेरी कैसे स्टार्ट हुआ है सबको पता है, कोका कोला कैसे स्टार्ट हुआ है सबको पता है, उसका बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, बिजनेस मॉड्यूल क्या है, किस प्रकार से रन करता है, क्या उसमें इंग्रेडिएंट होता है, वो सबको पता है। लेकिन क्या अब हम नया कोका कोला बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं? नहीं। किस प्रकार से? क्योंकि उसका पेटेंट राइट भी, ट्रेडमार्क भी, बहुत सारे ऐसे राइट्स है जो उसके पास है। लेकिन बात को समझिए, आप बना करके बेचोगे तो भी लोग नहीं खरीदेगा, क्यों? क्योंकि लोगों को कोका कोला ही पसंद है, क्योंकि उसका ब्रांड टैग वहाँ पे, इस बात को समझना होगा कि ब्रांड का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो उसका कंटेंट अंदर डाला हुआ है उससे ज़्यादा उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ गया। ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन मैं इसको समझाऊँ अगले वीडियोस में, तो मेरे आने वाले अगले वीडियोस का वेट करिए। आने वाले अगले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा, जैसे कि कुछ लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था कि बिना फैमिली सपोर्ट के, बिना किसी भी प्रकार का सपोर्ट के, बिना मनी के किस प्रकार से बिजनेस को खड़ा करें, तो उन सारी चीज़ों को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आने वाले वीडियोस में। मैं ऐसे बहुत सारे सरप्राइजिंग वीडियोस आप सबके लिए लाते रहूंगा, और मेरे हमेशा मेरे जो वीडियोस है वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे आप सभी के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए स्ट्रैटेजीज के, नए टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए विकी क्रिएटर। जय हिंद।